तो आज इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में फ्रैंकलिन बन चुका है फायर फाइटर, और फायर फाइटर बनने के बाद फ्रैंकलिन ने फायर फाइटर की ड्रेस पहन ली है, जैसे फायर फाइटर की टी शर्ट, पैंट, शूज और साथ में हेलमेट भी। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी आग, ये देखो यार केमिकल लैब में कितना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। लिटरली में केमिकल लैब की बगल वाली बिल्डिंग भी गिर चुकी है और इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो चुका है, मुझे इसे बुझाना पड़ेगा यार। जल्दी से अपने फायर ट्रक से पानी डाल दो तभी ये आग बुझेगी। भुंजा भुंजा यार, ये तो बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं यार, ये आग तो बढ़ती जा रही है, देखो आसमान में कितने ऊपर तक काले बादल और आग की लपटे जा रही है। रुको रुको, इसे तो मुझे बुझाना ही पड़ेगा। वैसे पानी तो छत के ऊपर इकट्ठा हो रहा है, मगर ये आग बुझ क्यों नहीं रही है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सोचो सोचो, क्योंकि फायर ट्रक के अंदर भी पानी खत्म हो रहा है, मुझे कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो सोचो। ऑल राइट गाइस, तो मैं चला सीधा एयरपोर्ट पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह मैं एयरपोर्ट पे क्यों जा रहा हूँ, तो बात सिंपल सी है, आज हमारे एयरपोर्ट पे होने वाली फायर डिपार्टमेंट की भर्ती। हाँ आपने सही सुना, काफी टाइम से हमारी सिटी के फायर डिपार्टमेंट में कोई भी भर्ती नहीं निकली थी, लेकिन अब एक भर्ती निकली जिसमें नया फायर फाइटर चूज किया जाएगा। तो मैं तो चला फायर फाइटर बनने, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था, मजाक कर रहा हूँ, फायर फाइटर बनने जैसा मेरा कोई भी सपना नहीं है। वो तो क्या है, बॉस ने मुझे फायर कर दिया, इसलिए अभी मेरे पास कोई भी नौकरी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ फायर फाइटर बनने के बाद मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, जिससे मेरा घर का खर्चा निकल सके। तो बस इसीलिए मैं फायर फाइटर बनना चाहता हूं। तो ये देखो, मैं एयरपोर्ट पे तो पहुंच चुका हूं। वेट गाइस, यहां पर इतने सारे लोग पहले से ही कैसे आ गए? अरे यार, अब तो कंपटीशन टफ हो गया, मैंने सोचा था कोई भी नहीं आएगा। सारे कैडेट ध्यान से सुनो, इस भर्ती को कोई आम भर्ती समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ही मुश्किल टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप में से कोई एक बनेगा हमारी सिटी का न्यू फायर फाइटर। और आप तीनों में से जो भी फायर फाइटर बनेगा, उसे हमारी तरफ से मिलेगा एक फायर ट्रक, साथ में फायर डिपार्टमेंट की एक ड्रेस और हर महीने सैलरी। लेकिन 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 इतना खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको काफी मुश्किल चैलेंजों को पार करना पड़ेगा। चैलेंज गए तेल लेने, फायर फाइटर तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था फायर फाइटर बनने का, और मुझे पता है कि मैं सारे चैलेंज को चुटकियों में पार कर लूंगा। देखो देखो, इस आदमी को देखो कितना खुश हो रहा है, लेकिन ये शायद भूल गया कि फ्रैंकलिन यहाँ पर आ चुका है, और फ्रैंकलिन फायर फाइटर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम दोनों आपस में ही लड़ते रहो, फायर फाइटर तो एक लड़की बनेगी और वो लड़की मैं हूँ, तो फायर फाइटर मैं ही बनूंगी, तुम लोगों का तो पोपट होने वाला है, पोपट। ये देखो, ये भी बोली, इसका बोलना और जरूरी था, इसको क्या लगता है ये फायर फाइटर बन जाएगी, वो भी मेरे होते हुए। अरे ना मुन्ना ना, इतना आसान नहीं है फ्रैंकलिन को हराना। अरे अरे शांत, अभी इसे लड़ने की जरूरत नहीं, सबसे पहले टास्क तो सुन लो। टास्क क्या? टास्क तुम्हारा यह है कि तुम्हें एक आग को बुझाना है, और आग को बुझाने के लिए तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें आग बता दूंगा कहां पर लगी है, लेकिन उसे बुझाना कैसे वो तुम्हें खुद सोचना। जो भी सबसे पहले आग बुझाएगा वो बनेगा फायर फाइटर। तो वो देखो, सामने की तरफ मैंने आग जला के रखी, तो चलो अपना दिमाग लगाओ और इस आग को जल्दी से बुझाओ। सोच फ्रैंकलिन, सोच इस आग को कैसे बुझाओ। इन दोनों बेवकूफों से पहले मुझे किसी भी हाल में इस आग को बुझाना पड़ेगा। सोचो सोचो, क्या करूं यार, मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया आ ही नहीं रहा है। अरे यार, ऐसे तो मैं ये टास्क को कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। रुको यार, मुझे पहले आग को पास से देखना पड़ेगा, तभी शायद मेरे दिमाग में कोई आइडिया आएगा। तो चलो जल्दी से आग को पास से देखते हैं, भागो भागो जल्दी, इन दोनों से पहले भागो। अरे यार, दूर से देखने में तो लग रहा था आग काफी छोटी है, लेकिन नहीं यार, ये आग तो काफी बड़ी है। शिट, इसे बुझाना तो लिटरली मैं काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैंने सोचा था इसे पैर वैर से या फूंक मार के बुझा दूंगा, लेकिन नहीं यार, इसे बुझाने के लिए तो कुछ बड़ी चीज चाहिए। रुको रुको रुको, मुझे आसपास देखना पड़ेगा, ये एयरपोर्ट है और यहाँ पर पानी जरूर होगा। पानी कहाँ पर है? पानी, रुको रुको, वो सामने की तरफ नल है और वो नल खुला और बाल्टी भर चुकी है पानी से। यहाँ तो मेरा काम आसान हो गया यार, मुझे पानी की बाल्टी मिल गई। चलो चलो जल्दी से पानी की बाल्टी उठाता हूँ, सीधा इसी बाल्टी से आग को तुरंत बुझा देता हूँ। हाँ, ये आइडिया बेस्ट रहेगा, जितना सोचा था उससे ज्यादा भारी है बाल्टी यार, इतनी भारी बाल्टी, अब इसे उठाना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। चलो चलो धीरे धीरे बाल्टी को आराम आराम से वहां पर ले जाता हूँ, उसके बाद इसी पानी से वो आग बुझा दूंगा। और देखने में ऐसा लग रहा है कि वो दोनों पागल बस अभी तक आइडिया ही सोच रहे। तो चलो उन दोनों को छोड़ो, जल्दी से ये पानी की बाल्टी सीधा फेंकता हूँ आग के अंदर। ये उठाई बाल्टी और ये फेंकी आग में, और ये देखो गाइज, मैंने फाइनली यार आग बुझा दी। लिटरली में यार मैंने पूरी आग बुझा दी। आप लोग ध्यान से देखो, लकड़ियों के ऊपर पहले आग जल रही थी, लेकिन अब आग नहीं जल रही क्योंकि आग बुझ चुकी है। तो इसका मतलब है मैंने ये वाला टास्क सबसे पहले कंप्लीट कर लिया। तो चलो जल्दी से चलते सर के पास।
पास और वहां जाके उन्हें ये इन्फॉर्म करता हूँ कि मैंने आग बुझा दी है। सर 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 मेरी बात सुनो, मैंने आग सबसे पहले बुझा दी। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रैंकलिन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी कोई आग बुझा पाएगा, लेकिन तुम्हारी स्मार्टनेस को सल्यूट करना जरूरी है क्योंकि तुमने मात्र 10 मिनट के अंदर ही आग बुझा दी। तो तुम बन चुके हो ऑफिशियल फायर फाइटर और बचे दोनों कैंडिडेट तुम दोनों हो चुके हो फेल। थैंक यू सर, लेकिन वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि मेरा फायर ट्रक कहाँ पर है और मेरी यूनिफॉर्म कहाँ पर है। यूनिफॉर्म तो तुम्हारी फायर ट्रक के अंदर ही खड़ी है और फायर ट्रक मेरे पीछे खड़ा है, तो जाके जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म पहनो और फायर ट्रक में पानी भर के लाओ और आज से ही अपनी ड्यूटी स्टार्ट करो। ओके सर। तो फाइनली गाइज मैं बन चुका हूँ फायर फाइटर और ये देखो मैंने फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन ली है, साथ में हेलमेट वेलमेट टी शर्ट वी शर्ट सब कुछ पहन लिया और इसकी फिटिंग यार काफी परफेक्ट है, लगता है ये मेरे लिए ही बनी थी। और ये देखो मेरे कपड़ों के ऊपर फायर भी लिखा है, साथ में हेलमेट में एक टॉर्च भी लगी है, नीचे जूते भी येल्लो हैं, पैंट भी येल्लो है, टी शर्ट भी येल्लो है, यानी पूरी ड्रेस बिल्कुल मैचिंग मैचिंग है। लेकिन चलो ड्रेस को करते हैं साइड, जल्दी से फायर ट्रक में पानी भर के लाते क्योंकि सर ने बोला था फायर ट्रक की टंकी खाली है, तो मुझे सबसे पहले फायर ट्रक में पानी भरना है, उसके बाद पूरे सिटी में करनी है पेट्रोलिंग। तो ये मैं बैठ चुका हूँ फायर ट्रक के अंदर और ये मैंने स्टार्ट कर दिया फायर ट्रक, लेकिन यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं फायर ट्रक के अंदर पानी भरूं तो भरूं कहां से, क्योंकि फायर ट्रक की टंकी छोटी मोटी तो होती नहीं है, पूरे के पूरे 2000 लीटर की होती है। बट एक सेकंड रुको, अरे यार मैंने गाड़ी को ठोक दिया, अभी अभी तो मैं फायर फाइटर बना था, सॉरी सर सॉरी। बाल बाल बचा, लेकिन यार मेरी भगवान से बस यही दुआ है कि वो आदमी पुलिस स्टेशन में जाके मेरी शिकायत ना करे, क्योंकि अगर उसने एक बार मेरी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी तो उसके बाद आज मेरी नौकरी का पहला और आखिरी दिन दोनों हो जाएंगे। तो यार मैं चाहता नहीं हूँ कि आज ही मुझे नौकरी से निकाल दें। लेकिन चलो इन सब चीजों को साइड करते, पानी भरने के लिए मैं सोच रहा हूँ रेलवे स्टेशन के बगल वाले तालाब से पानी भर लूं, क्योंकि वहां पर पानी काफी ज्यादा भी और इजीली मेरी फायर ट्रक के अंदर पानी भर भी जाएगा। हाँ यही ठीक रहेगा। तो चलो जल्दी से अपने फायर ट्रक को फुल स्पीड में भगाते सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ और पानी भरने के लिए मेरे पास एक मोटर भी है जिसमें मैं पाइप कनेक्ट करके अपनी फायर ट्रक में पानी इजीली भर सकता हूँ। तो चलो जल्दी से वहां पे चलते हैं, बट पानी भरने से पहले मुझे अपने फायर ट्रक को सही तरीके से लगाना पड़ेगा। तो चलो चलो धीरे धीरे पीछे 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 आराम आराम से पीछे ले जाता हूँ, ज्यादा पानी के अंदर नहीं ले जाऊंगा बस इतना, ठीक है। चलो ब्रेक दबाते हैं और मोटर को पाइप से कनेक्ट करते हैं। तो ऑल राइट गाइज मैंने मोटर को पाइप से कनेक्ट कर दिया और ये दबाए मोटर का बटन और मोटर हो चुकी स्टार्ट। बस जल्दी जल्दी पानी भर जा यार, जल्दी भर जा। वैसे देखने में ये वाली मोटर काफी पावरफुल है और पाइप भी काफी मोटा है, तो इस हिसाब से फायर ट्रक की टंकी 20 से 30 मिनट में तो भर जानी चाहिए। चलो जब तक टंकी भर रही है तब तक तो मुझे वेट करना पड़ेगा। ओके तो फाइनली फायर ट्रक की टंकी भर चुकी है, तो चलो जल्दी से मोटर को करते बंद और सीधा चलते अपनी पेट्रोलिंग पे। बस आज मुझे कहीं पर आग लगी दिख जाए जिससे मैं वो आग बुझा दूं तो यार मजा ही आ जाएगा। वैसे ये बात है तो काफी खराब क्योंकि आग ना लगे वो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ आग लगनी चाहिए तभी तो मैं वो आग बुझा पाऊंगा और मेरे फायर फाइटर बनने का कोई मतलब निकलेगा, और अगर आग ही नहीं लगेगी तो मैं करूंगा क्या, सिर्फ पेट्रोलिंग। चलो देखते हैं कहां पर लगी है आग, कहां पर बिल्डिंगों में भी कहीं पर आग नहीं लगी है, किसी के घर से भी धुआं नहीं निकल रहा, गाड़ी वाड़ी भी सब लोग ढंग से चला रहे, यार कोई तो गलती करो, कहीं पर तो आग लगनी चाहिए। और इधर विलेज में भी सब कुछ ठीक ठाक है, यार कहां पर आग है कहां पर। और एक सेकंड रुको, इतना बड़ा बम ब्लास्ट कहां पर हुआ, लगता है ये तो केमिकल लैब के पास हुआ। चलो चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। नहीं नहीं यार इतनी बड़ी आग, मैंने तो छोटी मोटी आग मांगी थी, यहां पर तो लिटरली में इतनी बड़ी आग लगी, इसे बुझाने के लिए तो पूरा का पूरा फायर ट्रक का पानी मुझे यहां पर फेंकना पड़ेगा। चलो चलो मैंने जेट स्प्रे तो लगा दिया, पानी यहां पर छत पे आने लगा आप लोग देख सकते हो, मगर आग की लपटें इतनी बड़ी और ऊंची है कि मुझे लगता नहीं है कि आग इतनी जल्दी बुझने वाली है। बट यार मुझे टेंशन नहीं लेना, मुझे किसी भी हाल में इस आग को बुझाना। और ये देखो छत के ऊपर पानी इकट्ठा होना शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब है आग बुझेगी तो जरूर, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि आग बुझने से पहले अगर फायर ट्रक की टंकी खाली हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो यार पूरी सिटी में आग फैल भी सकती है। बस बस बुझ गई। ये देखो यार पूरी की पूरी बिल्डिंग को मैंने पानी से ढक दिया, मेरे कहने का मतलब है पूरी बिल्डिंग के ऊपर मैंने पानी तो फेंक दिया, लेकिन ये आग अभी भी नहीं बुझी। यार ऐसा लग रहा है कि आग बुझने वाली नहीं है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो क्योंकि ये आग पानी से तो बुझ नहीं रही है, क्योंकि यार ये देखो पानी तो मैंने पूरी बिल्डिंग के ऊपर डाल दिया लेकिन अभी भी ये आग बुझी नहीं है। अब मैं क्या करूं यार, क्या करूं, आज मेरी नौकरी का पहला दिन था और मुझे लगता है कि आज ही मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यार क्या करूं, सोचो आग को कैसे बुझाऊं। और ये क्या यार, फायर ट्रक की टंकी भी खाली हो गई, इसमें पानी खत्म हो गया। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताओ कि फ्रैंकलिन आग बुझाने में सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बाकी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। तब तक जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं।